जय हिंद फ्यूचर ऑफ इंडिया पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में आज बात करेंगे हम लोग खूबसूरत लिमिटेड कंपनी के बारे में। खूबसूरत लिमिटेड में दो बहुत ही खूबसूरत न्यूज निकल कर सामने आ रहे हैं। उस दो खूबसूरत न्यूज को इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे, एनालिसिस करेंगे और उसके बदौलत ये अनुमान लगाएंगे कि अब इस कंपनी का जो शेयर प्राइस है या जो शेयर प्राइस का मूवमेंट है वो और कितनी तेजी से कितने देर तक ऊपर की तरफ जा सकता है, क्योंकि आपको यहाँ पर स्पष्ट दिखेगा कि प्राइस में तेजी आने लगी है और ये तेजी कहीं ना कहीं जो आपको देखने को मिल रही इसी सूरत न्यूज की वजह से देखने को मिल रही है। आपको मैं बता दूं न्यूज और अपडेट क्या क्या है। सबसे पहले न्यूज तो यह है कि कंपनी लीकर की बिजनेस में भी कूदने वाली है। लीकर की बिजनेस वाली बात कितनी सच है और इसका क्या फायदा होगा आने वाले समय में यह भी बताऊंगा। और साथ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, कंपनी ने बोनस और डिविडेंड का अनाउंसमेंट किया है। आज कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होने वाली है और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में जो बातें निकलकर सामने आएगी उसके बारे में बताऊंगा, लेकिन बोनस और डिविडेंड मिलना लगभग लगभग तय माना जा रहा है। तो खूबसूरत लिमिटेड को इस वीडियो में चर्चा करेंगे और इन सब मुद्दों पर बात करेंगे, लेकिन उसके पहले बीएस इंडिया वेबसाइट पर इस स्टॉक का थोड़ा सा डिटेल्स ले लेते हैं कि वास्तव में इस स्टॉक की हलचल क्या क्या हो रही है। तो अभी हम लोग आ गए हैं बीएस इंडिया वेबसाइट पर और बीएस इंडिया वेबसाइट पर देखिए खूबसूरत लिमिटेड को मैंने ओपन किया हुआ है। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि ये स्टॉक अभी ईएसएम स्टेज वन में, सामान्यता पेनी स्टॉक्स में ये चीज देखने को लगभग मिल ही जाती है कि स्टॉक्स या तो ईएसएम या एएसएम की कैटेगरी में होती है। हालांकि स्टेज वन और स्टेज टू तक की कैटेगरी कोई बड़ी और खतरनाक कैटेगरी नहीं होती, इसमें बिल्कुल डरने या घबराने वाली बात नहीं होती है। और जिसने हमें बताया कि जो अपडेट्स निकल कर सामने आ रहे हैं उसके बेसिस पे ये जो ईएसएम स्टेज की श्रेणी में ये बहुत ही जल्द इस कैटेगरी से बाहर निकल जाएगा और उसके बाद शेयर के प्राइस में और अच्छे से तेजी आती हुई आपको देखने को मिलेगी। थोड़ी सी कॉर्पोरेट एक्शन की बात करें तो आप यहाँ पे जानते हैं कि राइट इशू के बाद से कोई कॉर्पोरेट एक्शन स्टॉक में हुआ नहीं है। हालांकि अब जाके कॉर्पोरेट एक्शन होते हुए देखने को मिल रहा है क्योंकि आज इस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग है। चलिए अब पहले हम लोग इस अपडेट को समझ लेते हैं फिर आगे की बात को समझेंगे। तो यहाँ पर देखिए अभी हम लोग मिंट की वेबसाइट पर हैं। मिंट बहुत ही प्रतिष्ठित वेबसाइट माना जाता है, खासकर फाइनेंस के सेक्टर में जो न्यूज वगैरह होती है वो इस वेबसाइट पर अपलोड होते रहते हैं। तो यहाँ पे आपको स्पष्ट रूप से पढ़ने को मिलेगा मल्टीबैगर पेनी स्टॉक। मल्टीबैगर इसलिए कहा जा रहा है इस पेनी स्टॉक क्योंकि इसने कमाकर पैसे दिए हैं और पेनी स्टॉक में सामान्यता लगभग अच्छी जो कंपनी होती है ठीक ठाक वो मल्टीबैगर बनी जाती है। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर लिखा है कंसीडर कर रही है कंपनी बोनस और डिविडेंड देने को लेकर। हालांकि कंसीडर जैसी कोई बात नहीं है, ये लगभग लगभग तय माना जा रहा है कि आपको बोनस से साथ साथ डिविडेंड ही मिलेगा क्योंकि आज इस कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग है उसमें ये बात निकलकर सामने आने वाली है। अब देखिए इसकी वजह से स्टॉक्स में लगातार इन दिनों अपर सर्किट देखने को मिले, जिसमें आपको बताया कि लगभग 5% की तेजी से स्टॉक में देखने को मिली है। जब आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे पढ़िए कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की सबसे पहले कंपनी का नाम देख लीजिए कि यही कंपनी खूबसूरत लिमिटेड जिसके लोग बात कर रहे हैं और ये कंपनी जिससे कंसिडरिंग कर रही है कि बोनस शेयर्स देने के लिए। और यहाँ पे यह भी पढ़ने को मिलेगा कंपनीज अपकमिंग बोर्ड मीटिंग, ये बोर्ड मीटिंग किस तारीख को है, यह है 12 अगस्त 2024 को, यानी कि आज की डेट में ये कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होने जा रही है। और यहाँ पे पढ़िए इस बोनस शेयर्स का डिटेल जो कि 2024 में आपको मिलने जा रहा है। तो इसमें जब आप पढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको स्पष्ट देखने को मिलेगा कि 12 अगस्त 2024 को कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होने जा रही है, जिसमें क्या क्या डिक्लेरेशन होगा। एक होगा बोनस शेयर्स का और दूसरा जो डिक्लेरेशन होगा वो होगा डिविडेंड का, यानी कि एक छोटी सी कंपनी कहीं ना कहीं आपको दोनों ही चीजें यहाँ पे देने के लिए तैयार है। और आज के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होगी और उसमें जो भी अपडेट अगर सामने आएगा कि ये जो बोनस शेयर देना है किस रेशियो में देना है, इसका रिकॉर्ड क्या रखा जाएगा, या जो डिविडेंड देना है अपने निवेशकों को वो कितने रुपए देना है और इसे कब देना है, यह भी मैं आपको आगे जैसे ये मीटिंग खत्म होगा और अगर अपडेट आज ही निकलकर सामने होता क्या है कि बोनस जो मीटिंग होता है उसमें सिर्फ ये बता दीजिए कि बोनस और डिविडेंड मिलेगा, लेकिन कितना मिलेगा और कब मिलेगा ये चीजें थोड़ी बाद में निकल कर सामने आती है। तो जैसे भी होगा जब भी अपडेट आएगा मैं आगे भी इसके बारे में आपको अपडेट कर दूंगा। खूबसूरत लिमिटेड कंपनी का नीचे यहाँ पे प्राइस अर्निंग और जो कंपनी का लेखा जो है जो भी कंपनी का फंडामेंटल वगैरह इसमें सब यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसको हम लोग इनकी वेबसाइट पे ही चल के समझ लेते हैं, वहाँ पे ज्यादा ईजी होता है समझना और समझाना। तो देखिए खूबसूरत लिमिटेड कंपनी के बारे में जो बोनस और डिविडेंड का अपडेट आने वाला था उसके बारे में हम चर्चा कर ली। अब बात कर लेते हैं कंपनी के दूसरे न्यूज की। अभी तक हम सभी जानते हैं कि जो कंपनी है फाइनेंस के सेक्टर में खुद हुई, यानी कि एनबीएफसी कंपनी है, लेकिन अब एक जो अपडेट निकल के सामने आ रही है कंपनी लीकर के बिजनेस यानी कि शराब के बिजनेस में भी अब कंपनी कूदने वाली है और इससे क्या होगा, कंपनी का मोटा कमाई होगा। आप सभी जानते हैं कि जो भी कंपनी शराब के बिजनेस में होती है छप्पड़ फाड़ पैसा कमाती है क्योंकि ये बिजनेस ही ऐसा है जो कभी बंद नहीं होता है, कभी चलता नहीं। कोरोना के टाइम में भी हम लोगों ने देखा था कि लोग शराब की दुकान में लाइन लगा कर खड़े थे। तो प्लान ये है कि कंपनी गोवा में अब जो है अपना लीकर का एक बिजनेस डालने वाले, इसके लिए जो भी लाइसेंस वगैरह की जरूरत होती है कंपनी ने अचीव कर लिया है, अप्रूवल्स कंपनी को मिल गया है। अब कंपनी इक्विपमेंट्स को
खरीदने के लिए और जो भी जरूरी इसके लिए चीजें होती है उस पर कंपनी ध्यान दे रही है कि अपने इस प्लांट्स को जल्द से जल्द गोवा में इंस्टॉल कर सके और जो लीकर का बिजनेस है उसको चला सके। इन्हीं सब न्यूज और अपडेट्स को देखते हुए कंपनी के शेयर प्राइस में यहाँ पे एक अच्छी खासी उछाल और तेजी देखने को मिली है और अब जाके जो कंपनी के क्वार्टर का नंबर आने वाले हैं, जिससे यहाँ पे देखेंगे कि जो क्वार्टर वन का नंबर आया है जून क्वार्टर में जबरदस्त सेल्स यहाँ पे होते हुए देखना है। तकरीबन 32 लाख आसपास सेल्स हुआ जो पिछले कई क्वार्टर में इस कंपनी को कभी भी इतना बड़ा सेल्स नहीं देखने को मिला था। अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट भी देखने को हुआ है क्योंकि पहले कंपनी घाटे में थी लेकिन अब जो है कंपनी प्रॉफिट में आ गई है। तो कहीं ना कहीं इन्हीं सब न्यूज और अपडेट्स का ये नतीजा है कि कंपनी अब जाके प्रॉफिटेबल होने लगी है। तो खूबसूरत लिमिटेड कंपनी के बारे में ये जो जानकारी मैंने आपको दी, उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। मन में कोई भी सवाल होगा कमेंट में जरूर पूछिएगा। कोई कंफ्यूजन होगा व्यक्तिगत रूप से जुड़कर बातें करना चाहते हैं मुझको इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। वक्त देने के लिए आपका शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।